Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a new video and with a very interesting topic today. So before that, we'll start with a quote. Dust is what it has been made of, and dust is what it will become. Friends, isn't it true? Here dust signifies the minutest particles of each and everything. Be it universe, be it your home, be it your any material position, or be it your own self. We are all made up of minute particles, and as everything has a start, everything will end as well. If you are starting, if you have started to be successful, if you have started any particular entrepreneurship, or if you have started a particular job, or if you have started your studies, it will end somewhere. As there is life, there is death as well. So there is nothing to be egoistic about. You shouldn't be egoistic about any of your material positions or any of your skills as well, because it has been very rightly said that dust is what it will become. At the end, everything will end in a form of minute particles, and that is what it says. So let's start today's video, and as you can see, we have a 9x9 Sudoku puzzle today. So I will tell you how to solve this puzzle using different methods. Okay, I have different colors for each and every method, and we will solve this puzzle in as less time as possible. Before that, I will tell you the rules of this game. So the first rule is only 1 to 9 digits can be used. Okay, there is also a digit 0 which was invented or by Aryabhatta. Okay, but we cannot use 0 here, 0 over here. Row means horizontally, theek hai, or column means vertically, theek hai. तो रो और कॉलम में आपका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो बार वन आ गया या फिर दो बार कोई दूसरा डिजिट आ गया, ठीक है. ये उसका दूसरा रूल बोल रहा है. नाउ इन द थर्ड रूल यू कैन रीड इट एज डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन अ 3x3 ब्लॉक. सो वी विल यूज डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट स्पेसिफिक कलर्स फॉर ईच एंड एवरी मेथड सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू. सो द फर्स्ट मेथड सेज फाइंड डबल डिजिट्स. अभी डबल डिजिट्स का मीनिंग ये होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. यहाँ देखिए, मैं सर्कल कर रहा हूँ, टू हियर एज वेल एज टू. सो अब हमें दो डिजिट्स मिल गए, टू टू. तो हमें ऐसे दो डिजिट मिल देखने हैं जो कि रो में या कॉलम में आसपास हो, नज़दीक नज़दीक हो, जिससे हम कुछ रिलेट कर पाए. तो हमें ये पता चल गया कि ये दो ब्लॉक्स में टू नहीं आने वाला, और ये भी पता चल गया कि ये दो ब्लॉक्स में टू नहीं आ सकता. हमारा रूल कह रहा है ना, रो में डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन ये पूरे ब्लॉक में तो टू आना चाहिए, राइट. दैट इज वॉट वी हैव टू डू. वी हैव टू सॉल्व द पजल इन द सेम वे. सो हम क्या करेंगे, अभी और एक बार चेक करेंगे. देखिए, अभी यहाँ भी टू है, तो इसके वजह से ये यहाँ टू नहीं आ सकता, और यहाँ टू होने की वजह से यहाँ भी टू नहीं आ सकता. तो बची हमारे पास सिर्फ एक जगह, ठीक है. तो हम इधर टू लिख लेते हैं. लेट मी रब एवरीथिंग, ठीक है. तो आपको ये फर्स्ट रूल के हिसाब से हमने टू हमें परफेक्टली टू की जगह मिल गई, ठीक है, सेंट्रल ब्लॉक में. अभी हम देखेंगे दूसरे नंबर्स. चलिए, और एक हमें मिल गया, ये है वन, यहाँ भी है वन. तो यहाँ वन नहीं आ सकता, ये दो ब्लॉक में भी वन नहीं आ सकता, और नीचे वन होने के कारण यहाँ भी वन नहीं आ सकता. तो यहाँ मिलेगा हमें और एक वन. चलिए फटाफट से मैं रब कर देता हूँ. और एक बात याद रखना है हमेशा, जब तक आपको पूरी गारंटी ना हो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड दैट द पर्टिकुलर ब्लॉक्स कंटेन्स ओनली वन नंबर, और ओनली वन नंबर कैन टेक दैट प्लेस, अनटिल एंड अनलेस दैट पॉइंट यू शुडंट राइट एनी नंबर, ठीक है. ऐसा नहीं कि अरे हाँ फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, तो चलो मैं फोर लिख लेता हूँ, ठीक है. वो हमारा लास्ट मेथड है, ओके. नाउ दैट इज इन वेरी रेयर केसेस एंड एट अ हायर लेवल्स, बट तब तक हमें नहीं करना है जब तक हमें पूरी गारंटी ना हो कि यार ये जगह पे 9 ही आएगा, या फिर 8 ही आएगा, या फिर कोई भी डिजिट आने वाला है, ठीक है. चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं हम. तो रो वाइज मेथड, तो रो वाइज मेथड में आपको कैसे देखना है, हॉरिजॉन्टली जैसे हमने देखा था. अभी ये रो कंसीडर करते हैं हम, ठीक है. ये वाला रो देखिए, यहाँ हमारे पास 5 नहीं है. आप देख सकते हो 3 है, 2 है, 9 है, 8 है, 7 है, 1 है, लेकिन 5 नहीं है. तो 5 यहाँ होने के कारण यहाँ 5 नहीं आ सकता, यहाँ भी 5 नहीं आ सकता. 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ओके. सो दिस इज द रो मेथड. अभी रो मेथड में आपको एक और टिप बताना चाहूँगा कि जो भी रो में सबसे ज़्यादा नंबर्स भरे हुए होंगे ना,
वहाँ आपको चेक करना है सबसे पहले, ठीक है, वहाँ सबसे पहले चेक करिए, वहाँ आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होगी, यू विल हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी और अ हायर प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर्स ओवर देयर, ठीक है। चलिए अभी 1, 2, 3, 4 और 6 बचा, तो देखिए यहाँ मैं 4 और 6, इसकी मुझे गारंटी नहीं है तो मैं 4 और 6 ऐसे नहीं लिख दूंगा, या फिर 6, 4 कुछ भी आ सकता है ना, या मैं कोई प्रिवेंट करने वाला कोई दूसरा नंबर मिल नहीं रहा है तो हम ऐसे ही कुछ हवा में नहीं लिख देंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे ताकि हमारे दूसरे कोई एक परफेक्ट नंबर हमें मिल जाए। चलिए अभी फिर से डबल मेथड से हमें और एक नंबर मिल गया, ऐसे धीरे धीरे करते करते वो पूरा सॉल्व होगा, ऐसे नहीं कि एक ब्लॉक से शुरू होगा या फिर ऐसे लाइन बाय लाइन सुडोकू सॉल्व होता है, ओके। यू गेट रैंडम नंबर्स एट रैंडम डिजिट्स एट रैंडम प्लेसेस, यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द ब्लॉक। अभी देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये ब्लॉक में 5 नीचे नहीं आने वाला है, सेकेंड एंड थर्ड रो में नहीं आएगा, तो 5 आएगा यहाँ। चलिए फटाफट बाकी दब कर लूँगा, अभी आगे ढूंढना है हमें। सो वी हैव अभी कौन सा चेक करना है, 1, 2 चलिए अभी दूसरे मेथड से चेक करें एक बार, हम कौन से मेथड से चेक करेंगे, चलिए एक बार कॉलम से चेक करते हैं, कॉलम। तो मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया रो के बारे में कि सबसे ज़्यादा रो होने वाला, सबसे ज़्यादा नंबर्स होने वाला रो हमें पकड़ना है, वैसे ही कॉलम में भी। तो ये कॉलम आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है आपको, नंबर्स ज़्यादा दिख रहा है, 1 है 4 है 2 है 5 है 9 है, यहाँ 8 नहीं है, तो एक बात याद रखना, इधर 8 होने के कारण इधर 8 नहीं आएगा, तो इधर 8 आ सकता है, इधर भी 8 आ सकता है, हमें गारंटी नहीं है। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, 3 यहाँ नहीं आ सकता, 3 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और 7 यहाँ नहीं आ सकता। तो चलिए ये एक पता चल गया आपको, ये एक और एक पॉइंट मिल गया हमें आपको बताने के लिए। तो यहाँ देखिए आप, 7 भी नहीं आ सकता, ना ही 8 आ सकता है, तो एक तो नंबर आना चाहिए ना, यहाँ 3 जगह है, 3 नंबर थे हमारे पास, 8, 7 या 3, तो 8 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, तो बेसिक कॉमन सेंस से हम क्या लिखेंगे यहाँ, 3, ठीक है, समझा आपको, ओके। अभी यहाँ हमें पता है कि यहाँ क्या आने वाला है, 6 और 4 कैसे भी आ सकता है, तो हम दूसरा नंबर ढूंढेंगे फटाफट, एंड दैट इज, हाँ हमें अभी और एक बार हम ये जब चेक कर रहे हैं ना, हमें रो और कॉलम वाइज मेथड से चेक करना है। अभी और एक नंबर मिल गया, देखिए कॉलम वाइज में हमें और एक, रो वाइज और कॉलम वाइज आप ध्यान दोगे ना तो आपको और एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये ब्लॉक में 9 होने के कारण यहाँ 9 नहीं आने वाला, राइट, तो यहाँ 9 नहीं आने वाला और यहाँ 9 होने के कारण यहाँ भी 9 नहीं आएगा, तो 9 कहाँ आने वाला है, ओनली ओवर हियर, सो यू विल राइट 9 ओवर हियर। चलिए ये 9 और एक मिल गया हमें, और अभी और एक कौन सा नंबर था, 4 और 6, तो हाँ अभी रो वाइज मेथड से हमें क्या मिल रहा है, ये 3 यहाँ होने के कारण यहाँ 3 नहीं आएगा, तो 3 आएगा यहाँ। थोड़ी अभी स्पीड बढ़ाएंगे हम, फटाफट सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। चलिए और एक नंबर मिल गया, यहाँ 9 नहीं आ सकता, यहाँ 9 नहीं आ सकता, यहाँ भी 9 नहीं आ सकता, सो 9 विल टेक दिस प्लेस। डबल डिजिट मेथड से हमने वापस से सॉल्व किया, अभी फिर से डबल डिजिट मेथड से हमने सॉल्व किया, यहाँ 9 नहीं आ सकता, यहाँ 9 नहीं आ सकता, यहाँ भी 9 नहीं आ सकता, ओनली 9 विल कम ओवर हियर। चलिए और एक 9 मिल गया हमें, अभी आप कौन सा डिजिट देख सकते हो, चलिए और एक डबल डिजिट नंबर से हमने क्या, 5 कहाँ नहीं आ सकता, 5 फर्स्ट कॉलम में नहीं आ सकता और 5 फोर्थ रो में भी नहीं आ सकता, तो 5 कहाँ आएगा, 5 विल बी हियर। चलिए 1, 2, 3, 4, 4 हाँ 7 यहाँ होने के कारण रो वाइज मेथड से 7 नहीं हो सकता, तो यहाँ 7 आएगा, ठीक है। कॉलम वाइज चेक करते हैं हम एक बार, येलो कलर से कॉलम वाइज, ये कॉलम थोड़ा भरा हुआ दिख रहा है, 1, 2, 3 यहाँ नहीं आ सकता, 4 नहीं 8 आएगा यहाँ, हमने जैसे 8 और 7 के लिए कैंसिल आउट किया था ना वैसे ही, तो 8 आएगा यहाँ। तो इन द सेम वे वी हैव डबल डिजिट मेथड यूजिंग, वी कैन यूज डबल डिजिट मेथड ओवर हियर, 2 8s
और यहाँ भी 8 होने के कारण यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ 8 नहीं, 8 विल ओनली टेक दिस प्लेस। चलिए ये ब्लॉक चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 9। देखिए यहाँ 9 नहीं आ सकता, यहाँ 9 नहीं आ सकता, तो 9 कहाँ आएगा, ओनली ओवर हियर। ये ब्लॉक वाइज मेथड से, इसीलिए मैंने ब्लू में किया ताकि आपको समझ आ जाए ब्लॉक वाइज मेथड भी, ठीक है। अभी हम 4 और 6 इधर आने वाला है, हमें पता है 4 और 6 बहुत तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे ही होता है कि सुडोकू में एक या दो नंबर जो होता है ना वो क्या हमें सब जगह नहीं मिलते हैं। देखिए हमें 3 मिला है, 9 मिला है, 1 मिला है, 8 मिला है, 5 मिला है, लेकिन हमें 4 और 6 नहीं मिल रहे। तो ऐसे करते करते हमें आगे मिलते जाएंगे। डबल डिजिट मेथड से हम इसको कह सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डबल डिजिट एज वेल एज रो कॉलम वाइज मेथड भी। तो यहाँ देखिए मैं डबल डिजिट का रेड कलर ले रहा हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ 6 नहीं आ सकता, यहाँ भी 6 नहीं आ सकता, तो 6 ये दोनों में आएगा। अब ये 6 ये दोनों में आएगा, तो यहाँ 6 नहीं आ सकता, तो यहाँ 6 आएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अभी नेक्स्ट नंबर है ब्लॉक वाइज मेथड से, हमने कर रहे हैं ना, एक ही नंबर बचा है, तो ब्लॉक वाइज मेथड से, ब्लॉक वाइज मेथड से हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 बचा है इधर, 4 थोड़ा आराम से करेंगे ताकि जो नए जो भी नए लोग देख रहे हैं ये वीडियो वो भी समझ पाए आराम से। तो 1, 2, 3, 4 सब नंबर्स मिल गया हमें। एक बात याद रखना कि जो सुडोकू पजल होता है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे सोल्यूशन निकाल पाओगे, ओके। एंड इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक, एक भी नंबर अगर आपका रॉन्ग हो गया ना, तो आपका पूरा सुडोकू रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दे के सॉल्व करना, और फास्ट आपका होता जाएगा जैसे आप सॉल्व करते जाओगे। मैं आपको अभी बता के अलग अलग कलर से फिर रब करके बता रहा हूँ, इसीलिए हमें टाइम लग रहा है, और आप ठीक से समझ पाओ इसीलिए बता रहा हूँ। चलिए हमारा 4 भी मिल गया हमें, अभी नंबर मिल गया हमें, ये ब्लॉक वाइज से बोल सकते हैं आप, इसे कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा होता है कि अलग अलग मेथड्स आप इंडिविजुअली नहीं यूज़ कर पाओ ना, तो शायद उन सब का कॉम्बिनेशन से आप सब सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ देखिए ये 8 यहाँ तो नहीं आएगा, और 8 यहाँ भी नहीं आ सकता ये 8 के वजह से, तो इसीलिए 8 यहाँ आएगा। चलिए हमें और एक नंबर मिल गया, 9, यहाँ 9 नहीं आ सकता, ये दोनों में भी 9 नहीं आ सकता, तो 9 यहाँ आएगा। अच्छे से लिख लेता हूँ 9। Now we will get one more number. यहाँ 1 नहीं आ सकता, 1 यहाँ आएगा। चलिए और एक नंबर मिल गया, 8 यहाँ नहीं आएगा, 8 यहाँ नहीं आएगा, 8 यहाँ आएगा। अभी बचा 3 और 7, तो 7 यहाँ आएगा ब्लॉक वाइज मेथड से, और 3 यहाँ आएगा कॉलम वाइज मेथड से। हमें एक डिजिट जो बच गया ना ये रो में, ये वाला रो में, वो मिल जाएगा। चलिए अभी कौन सा डिजिट बचा है, यहाँ देख सकते हैं 7 बचा है, तो 7 लिख देते हैं हम। चलिए और एक नंबर मिल गया, यहाँ 8 नहीं आ सकता, यहाँ 8 नहीं आ सकता, 8 आएगा यहाँ। अभी बहुत कम बचे हैं, 1, 2, 3। चलिए फटाफट चेक करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी मैं कलर नहीं चेंज करूँगा, कलर एक कांस्टेंट रखता हूँ, रेड, रेड थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो 4 और 6 बचा है, 4 और 6, ठीक है, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। इसमें हमारा कौन सा बचा है नंबर, 3, 4 इज रिमेनिंग, एंड आई गेस द लास्ट डिजिट, यस इट इज़ द लास्ट डिजिट, एंड हियर वी सॉल्व the Sudoku puzzle. Goodbye. That's Green Guru for you.